आदाब नाजरीन, एडेन उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नेकी कर टोकरी में डाल, नान की दुकान पर कार्य खैर का नया तरीका। चंद्रकांत खैरे ने कहा, इलेक्शन से ज्यादा जरूरी आवाम की जाने हैं। आज पाए गए 214 नए मरीज, तादाद हुई 21,973। अब खबरें तफसील से। कोरोना के पेशेनजर 5 महीने से लॉकडाउन जारी है, जिसके बाद साहिब हैसियत लोगों की भी माशी हालत कमजोर हुई है, लेकिन इमदाद पहुंचाने वाले लोगों ने नत नए तरीकों से मिस्किन अफराद की मदद की। कटकटगेट में वाके नान रोटी की दुकान के मालिक ने नेकी की टोकरी के जरिए गुरबा की मदद करने का अज्म किया। लॉकडाउन के बाद शहर में अवाम की माली हालत खस्ता हो गई है। जो साहिब इस्तेताद लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। शहर में गरीब मिस्कीन लोगों की तादाद भी काफी है, जिनको दो वक्त पेट भर खाना नहीं मिल सकता। इसी को मद्देनजर रखते हुए कटकटगेट नान की दुकान मालिक ने कार्य खैर का एक अनोखा रास्ता दरियाफ्त किया है। इस कार्य खैर से यतीम व मिस्कीन और गरीब अफराद को दो वक्त खाना खिलाने का जिम्मा दुकान मालिक ने लिया है। दुकान मालिक की जानिब से सारिफिन के लिए नेकी की टोकरी रखी गई है। सारिफ अपनी जरूरत के मुताबिक रोटी खरीद कर अपनी तरफ से कुछ रोटियां नेकी की टोकरी में डालकर इस कार्य कैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन गुजरा है हमारा, तो उसमें जो गरीब है, मजदूर है, जो रोजगार नहीं कर सकते, जो खाने पीने की जो परेशानी होती है, तो उसके लिए ये हमने रखा है। और जिसने भी ये काम शुरू किया, अल्लाह उसको जजाए खैर दे। और जो अपने हमारे पास जो ग्राहक आते हैं डेली के, तो वो उनके दिल से जो भी उसमें रखना चाहते हैं रखते हैं। और हम जो है तो गरीब जो आते हैं हमारे पास मांगने के लिए, जिस पे खाने की परेशानी होती है, तो उसको हम जो है तो ये देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने इलेक्शन के ताल्लुक से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, इन्हें कोरोना से कोई लेना देना नहीं। हमारे नुमाइंदे ने बिहार और औरंगाबाद में इलेक्शन के ताल्लुक से सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने इजहार किया कि यहाँ इलेक्शन से ज्यादा जरूरी शहरियान की जाने हैं। इलेक्शन की बात क्या है, इलेक्शन पे हम लोग कम से कम एक साथ 50-50, 100-100, 1000-1000, 5-5000 लोगों को लेकर घूमते हैं, उसमें से कुछ हो सकता है। इलेक्शन का सभी जगह के इलेक्शन पोस्ट हो गए, लेकिन सर बिहार में कहूँगा, अभी रस्ते रिश्ते की बात करें। जी सर, अभी बिहार की बात बोल रहे हैं आप? जी सर, ये सर बिहार में पॉलिटिक्स है बीजेपी का। जी सर, उनको कोई कोरोना का कोई ये नहीं, उनको इलेक्शन पड़ी है। जी सर, और हमारे महाराष्ट्र में सारे चुनाव जो है अभी बोर्चवन इसलिए गए कि वो कारण से ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, कोरोना से बाधित हो जाएंगे। इसके लिए अपने को करना नहीं है, अपने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ने कहा। औरंगाबाद में वाकई हरसुल तालाब के करीब मौजूद बस्तियां, जिनमें जहांगीर कॉलोनी, सईदा कॉलोनी, बेरीबाग, होनाजी नगर, मयूर पार्क का शुमार होता है, इन तमाम बस्तियों की बुनियादी मसाइल हल किए जाए, इस तरह का मुतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से म्यूनसिपल इंतजामिया से किया गया। वाज़ेह है कि इंतजामिया कोरोना वबा से जद्दोजहद कर रही है, जिसके सबब बस्ती में मसाइल हल नहीं हो सके। अतिरिक्त आयुक्त साहब ने निवेदन दिल कि गेल्या 5-10 वर्षांमध्ये हरसुलचा जो तलाव है, तो या वर्षी या औरंगाबादतील जनतेच्या पुण्याने पूर्णपणे भरलेला आहे। आणि त्या हरसुल तलावाच्या आजूबाजूला ज्या नवीन वसाहती आहेत, मग त्यामध्ये बेरेबाग, एकता नगर, सैदा कॉलनी, अनेक वस्त्या आहेत, म्हणजे जुना हरसुल, मयूर पार्कचा काही भाग, आजूबाजूच्या तलावाच्या आजू परिसरातील ज्या कॉलनी आहेत, नवीन वसाहती आहेत, त्या वसाहत्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही 8-8 दिवस प्यायला पाणी भेटत नाही आहे। महिला डोक्यावर घागरे घेऊन, बकेट हातात घेऊन फिरतायत, वनवन भटकतायत। त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पार्टीच्या वतीनं आमची आग्रह अशी मागणी आहे की त्या आजूबाजूच्या ज्या वसाहती आहेत, त्या वसाहतींना या हरसुल तलावातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हावा। त्यामुळे आमची ती दुसरी मागणी ती आहे की शहरातील जे रस्त्यावरचे लाईट आहेत, ते सगळे दुरुस्ती करावेत, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आदेश द्यावा आणि शहरामध्ये परत पूर्वीसारखे पूर्ण शहरात लाईट लागले पाहिजे। तिसरी मागणी अशी आहे की या शहरामध्ये आता तुम्ही बघत असाल, तुम्ही फिरत असाल की शहरामधील पूर्ण शहर, मुख्य शहर, नवीन औरंगाबाद, आजूबाजू सगळं पूर्ण परिसरामध्ये एकही रस्ता चांगला राहिलेला नाही। शहरा खड्ड्यांचं शहर आहे का शहर खड्ड्यात आहे हे समजायला तयार नाही आहे। त्यामुळे या तातडीने अतिरिक्त साहेबांना स्वामी निवेदन दिलं की तातडीने या निर्णय घेऊन या सगळ्या शहरातील रस्त्यांचं पॅचअप करावं, डगबुबी करावी आणि ज्या ठिकाणी शक्य आहे
जिथे नवीन रस्ते करावे अशी आमची अग्रची मागणी आहे। तेली समाज में कारहाए नुमाया अंजाम देने वाले अफराद का इस्तेमाल किया गया। ये प्रोग्राम चेलीपुरा इलाके में तेली समाज की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे थे। तेली समाज की जानिब से साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के हाथों तेली समाज में मौसर कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद का इस्तकबाल किया गया। ये प्रोग्राम चेलीपुरा इलाके में रखा गया था। इस मौके पर बाबूराव सोनोने, देवीदास मिसाड़, प्रदीप सायनकर, कैलाश भरडे, महेश्वरी समाज के सदर सतीश चंद्र लड्डा, साबिक कॉर्पोरेटर प्रफुल मलानी मौजूद थे। औरंगाबाद तेली समाज मंडल आयोजित गणेश महोत्सव 2020 या संदर्भामध्ये के आपण सर्व सन्माननीय आपले आहेत। या ठिकाणी मी औरंगाबाद तेली समाज गणेश मंडळ आपल्या संभाजीनगरची आणखी एक शान भाजीनगर सेवक व मराठवाडा ट्रेड ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रफुल्लजी मालानी साहेब आणि विशेषतः या ठिकाणी आज ज्या महानुभावांचा सत्कार आपण या ठिकाणी करणार आहोत ते सन्माननीय बाबूराव महाराजजी सोनोने, तसेच देवीदास महाराजजी मिसाळ, तसेच प्रदीप महाराज सायंकर, तसेच समाजभूषण आमचे कैलास शेठ सिद्धलंबे, तसेच समाजसेवक लक्ष्मणरावजी बाजीरावजी मगर, तसेच आत्ताच या ठिकाणी आपल्या महेश्वरी समाजाच्या जिल्हाध्यक्षपदी ज्यांची निवड झाली त्यांचा सुद्धा आम्ही गणेश मंडळ आणि तेली समाजाच्या वतीनं सत्कार करणार आहोत असे सतीशचंद्रजी लड्डा या ठिकाणी साहेब सर्वप्रथम मी आपलं या ठिकाणी सन्माननीय आपल्या शहराची शान सन्माननीय शिवसेना नेते यांचा सत्कार मी स्वतः या ठिकाणी करत आहे। एक मोठ्या प्रमाणामध्ये गणेश उत्सवामध्ये खर्च करायचा नाही, खर्च होऊ पण शकत नाही कोरोनामुळे। करोना त्या ठिकाणी इतका भयानक झालेला आहे, त्यामुळे करोनाच्या ऐवजी गणपती फक्त साधा सुद्धा बसवायचा आणि पूजापाठ करायची इतकंच, आणि म्हणून त्या दृष्टीमधून पण आरोग्यसेवा करायची। आरोग्यसेवासुद्धा रक्त शिबिरांचं चालूच आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी हा एक कार्यक्रम गणेश उत्सवाचा अशा प्रकारे कसरूजी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गणेश कौर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी होत आहे। मी यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि जे ज्यांच्यामुळे कार्यक्रम होतो ते रामभाऊ, जे रामचंद्र मिटकर यांचे मित्र होते, ज्येष्ठ मार्गदर्शक होते आणि चांगल्या पद्धतीने सहकारी होते आणि आम्ही त्यांचं नेहमी त्या ठिकाणी आम्ही एकत्रपणे बसायचो। त्यांच्या म्हणजे स्मरण हे कार्यक्रम यांनी दोघांनी घेतला, मी यांना सगळ्यांना धन्यवाद देतो। असे उपक्रम आपण सदा चालू ठेवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संता। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का, रुकते एक वक्फे के लिए जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। छावनी बोर्ड में आज सफाई मुलाजमीन को सनद तकसीम किए गए। ये सनद सफाई मुलाजमीन को ट्रेनिंग के एवज में दिए गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये ट्रेनिंग मुनक्किद की गई थी। 50 सफाई मुलाजमीन ने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कौशल्या विकास योजना के तहत छावनी में सफाई मुलाजमीन की ट्रेनिंग मुनाकिद की गई थी। इस ट्रेनिंग के बाद मुलाजमीन को सनद तकसीम की जानी थी। कोरोना वबा की वजह से प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन आज सफाई मुलाजमीन को सनद तकसीम की गई। सफाई मुलाजमीन को नुकसानदा कचरे से खुद की हिफाजत के अलावा साजो सामान इस्तेमाल का तरीका इस ट्रेनिंग के जरिए सिखाया गया है। इस ट्रेनिंग में 50 मुलाजमीन ने शिरकत की थी। इसकी मजीद मालूमात छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे ने दी। नेशनल
नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके तहत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इनके तरफ से सफाई कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग, दो दिन का ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारे यहाँ जो लोकल पे कारपे बोल के जो संस्था है उनके तरफ से हमने उनके साथ टाई अप करके हमारे कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग रखा था। ये ट्रेनिंग बहुत पहले हुआ था लेकिन कोरोना के वजह से उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो उसका आज हमने किया है। इसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये NSDC रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स था ये, तो इसके तहत उनको इंश्योरेंस पॉलिसी भी है 3 साल के लिए और उसका वैलिडिटी 3 साल तक है। और आगे अगर कहीं उन्होंने अप्लाई किया प्रमोशन के लिए या कहीं जॉब के लिए तो एक वैलिड सर्टिफिकेट है जिसका उन्हें इस्तेमाल, उनके जो भी जॉब रोल है मतलब सफाई करते समय प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कैसे पहनना, कोई नई चीज़ है तो अननोन चीज़ को कैसे हैंडल करना, कोई डेंजरस मटेरियल है तो उसको कैसे हैंडल करना और खुद की सेहत का ख्याल कैसे रखना, यह सब चीज़ें उसमें थी। वो ट्रेनिंग के पार्ट, ट्रेनिंग का पार्ट था ये सब। ये सफाई कर्मचाऱ्याबद्दल जे है PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अंतर्गत ये उपक्रम राबवण्यात आलेला होता आणि त्या उपक्रमामध्ये सफाई कर्मचारी व इतर जे कंत्राटी पद्धतीचे जे लेबर होते त्यांनी पण सहभाग घेतला आणि आम्हाला भरपूर काही या माध्यमातून शिकायला भेटलं की कशा पद्धतीने स्वच्छता म्हणजे केली पाहिजे आणि कशा पद्धतीने स्वच्छता करून घेतली पाहिजे। छावणी परिषदने सफाई कामगारों के लिए स्वच्छता विभाग के इस तरफ से प्रधानमंत्री कौशल योजना की ओर से इनका एक कार्यक्रम लिया गया है, उसके अंदर साफ सफाई से कैसे साफ सुथरा काम किया जाए इसके बारे में मैडम ने अच्छे से प्रोत्साहन पर बताया है, इससे कर्मचारी को बहुत कुछ सीखने मिला है। औरंगाबाद जिले में अब तक 16,713 कोरोना जदगान सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। आज फिर 214 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा होने पर शहर और ज़िला में कोरोना की तादाद 21,973 तक जा पहुंची है। इसी तरह 659 मरीजों की मौत हो चुकी है और 4,601 मरीजों की इलाज जारी है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। नेकी कर टोकरी में डाल, नान की दुकान पर कार्यकार का नया तरीका। चंद्रकांत खैरे ने कहा इलेक्शन से ज्यादा जरूरी आवाम की जाने हैं। आज पाए गए 214 नए मरीज, तादाद हुई 21,973। तो ये थी आज की अहम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडन उर्दू न्यूज। आदाब।